हेलो स्टूडेंट्स, मैं रमेश कुमार धानक, लेक्चरर डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज हनुमानगढ़ से हूं। जीपीसी हनुमानगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि ये लेक्चर सीरीज है वो बीटीआर के सब्जेक्ट कोड 2003 सेकंड सेमेस्टर के लिए है, जो कि आईटी सिस्टम का इंट्रोडक्शन है। पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि कंप्यूटर की हिस्ट्री क्या है और इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर्स, उसकी डेफिनेशन हमने पढ़ी थी, किस तरह से है वो कंप्यूटर का डेवलपमेंट हुआ था, स्टार्टिंग चार्ल्स बेबेज लेबनेज डिफरेंस इंजन से होते हुए हमारी मॉडर्न कंप्यूटर की तरफ हम बढ़ गए थे। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि कंप्यूटर का जो बेसिक कंपोनेंट्स हैं उन कंपोनेंट्स को हम डिस्कस करेंगे और साथ में हम उसके जो डिस्प्ले हैं, कीबोर्ड हैं, माउस है, आज इस लेक्चर में ये टॉपिक्स हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं कि कंप्यूटर है वो डेटा एंट्री के पर्पस से जो भी डिवाइसेस यूज करता है उसे हम इनपुट डिवाइसेस कहते हैं। वो इनपुट डिवाइसेस कंप्यूटर और ह्यूमन बीइंग के बीच में कम्युनिकेट करवाती है। दूसरा, सिमिलर इनपुट डिवाइसेस जहां से डेटा इनपुट करते हैं उसी तरह से जब यूजर को रिजल्ट लेना होता है तो वो आउटपुट डिवाइसेस का यूज कर। फॉर एग्जांपल, इनपुट डिवाइसेस जिनके थ्रू हम डेटा इनपुट कर सकते हैं वो है कीबोर्ड, माउस और स्कैनर, जॉयस्टिक, लाइट पेन, वेब कैमरा, बारकोड रीडर, ट्रैक बॉल, माइक्रोफोन्स, और भी बहुत सारी डिवाइसेस हैं जिसके थ्रू हम डेटा को इनपुट कर सकते हैं। आउटपुट डिवाइसेस में आता है मॉनिटर, एलसीडी, एलईडी, प्रोजेक्टर, प्रिंटर, प्लॉटर, स्पीकर और भी ऐसी डिवाइसेस हैं जो कि आउटपुट हमें प्रदान करती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मॉनिटर की। मॉनिटर क्या है? मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइसेस है। इसे प्राइमरी इसीलिए कहा गया है कि सबसे पहले हम आउटपुट डिवाइसेस में यही यूज करते हैं जो कि हमारे टेक्स्ट और वीडियो इमेजेस को डिस्प्ले करता है जिससे हम रिजल्ट्स को देख पाते हैं, इसीलिए इसे हम विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहते हैं। और बेसिकली मॉनिटर है वो दो तरह के होते हैं, एक तो सीआरटी जो कि कैथोड रे ट्यूब पे बेस्ड होता है और दूसरा लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्लेज होते हैं एलईडी और एलसीडी जो कि आजकल यूज किए जाते हैं। मॉनिटर है वो तीन पार्टों से मिलकर बना होता है, एक तो उसका डिस्प्ले, उसकी बॉडी और उसकी सर्किट जिसमें हम पावर सप्लाई देते हैं। जब भी हम कीबोर्ड से कोई डेटा इनपुट करते हैं या माउस से हम कोई कमांड इनपुट करते हैं तो सबसे पहले वो रिक्वेस्ट है कंप्यूटर में लगे हुए एक वीडियो कार्ड को जाती है और ये वीडियो कार्ड ग्राफिक इंफॉर्मेशन को जनरेट करता है, यानी जो भी आपने इनपुट किया है वो किस तरह से दिखेगा ये डिसाइड करता है हमारा वीडियो कार्ड। उसके बाद उसको पिक्चर या वीडियो टेक्स्ट या वीडियो के फॉर्म में ये शो कर देता है आपके मॉनिटर पे। जो पुराने जमाने में, जो ओल्ड एज में जब हम यूज करते थे मॉनिटर, वो कैथोड रे ट्यूब को यूज करते थे हम। कैथोड रे ट्यूब है, आपने वैसे साइंस में पढ़ा होगा कि वो बहुत हैवी होती है, तो जो पुराने मॉनिटर्स हैं हमारे वो बहुत ही हैवी होते हैं। जो हमारा आउटपुट दिखा है उसकी क्वालिटी को मेजर करने के लिए हम पैरामीटर्स को डिफाइन कर सकते। सबसे पहला पैरामीटर है एक्सेप्ट रेशियो। एक्सेप्ट रेशियो क्या होता है? बेसिकली कि स्क्रीन में वर्टिकल और हॉरिजेंटल उसकी लंबाई चौड़ाई है वो हमें डिफाइन करनी पड़ती। तो जिस तरह से आजकल जो एलईडी, एलसीडी और ये जो टीवी आ रहे हैं वो सारे के सारे 16:9 में डिफाइंड है, तो वो हमारा एक्सेप्ट रेशियो है, यानी जो भी हमें पिक्चर दिखेगी वो डिस्प्ले किस रेशियो में हमें दिखता है वो पिक्सल्स का रेशियो होता है। दूसरा जो है वो है डॉट पिच। डॉट पिच है वो पिक्चर की क्वालिटी को डिफाइन करता है, यानी स्क्रीन पे कितनी शार्प पिक्चर हमें दिखेगी वो हम डॉट पिच से डिफाइन करते हैं। ये जो पैरामीटर है डॉट पिच उसको हम डिफाइन करते हैं एक इंच के स्क्वायर में, यानी एक इंच का हाइट और एक इंच का विड्थ के स्क्वायर में कितने डॉट्स या कितने पिक्सल है वो डिफाइन करता है डॉट की
पिच को। जितने ज्यादा डॉट पिचेस होंगे उतनी ही शार्प और क्लीन स्क्रीन दिखाई देगी। जो तीसरा हमारा है रिजोल्यूशन, जिसको कि आजकल बहुत ज्यादा जानते हैं हम कि हाई डेफिनेशन है, स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, 4K है, 8K है, वो रिजोल्यूशन है, वो डिस्प्ले का मेजरमेंट फैक्टर है। ये पिक्सल्स की संख्या पे डिपेंड करता है। जैसे डॉट पिचेस हमने इस एक स्क्वायर इंच के अंदर हमने कितने पिक्सल्स हम देख रहे हैं, जितने ज्यादा होंगे उतनी ही डॉट पिच हाई जितनी होगी उतना ही हमारा डिस्प्ले क्लियर और शार्प दिखेगा। रिजोल्यूशन है वो हमारा DPI होता है, डॉट पर इंच। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लेता हूं 1280x720, इसका मतलब है कि 1280x720 का रिजोल्यूशन है वो एक इंच के स्क्वायर में 1200x720 के पिक्सल्स हमें दिखते हैं। चौथा जो हमारा है वो है साइज। साइज का मतलब है कि आपका डिस्प्ले का साइज क्या रहेगा, कितने इंच का डिस्प्ले आपने यूज कर रहे हैं। तो ये डिस्प्ले साइज है, जितना बड़ा होगा इमेजेस हमारी उतनी ही बड़ी दिखेगी। और ये जो इसका मेजरमेंट है, जैसा कि हम कहते हैं कि टीवी LED है वो 32 इंच की है, तो 32 इंच है क्या बेसिकली, जैसे कि इस स्क्रीन में यहां से लेकर के यहां तक मेजरमेंट है वो कहलाएगा हमारा साइज, यानी 32 इंच या फिर 34 इंच जैसा भी होगा। ये चार पैरामीटर हैं जो कि एक वीडियो डिस्प्ले को मेजर करता है कि क्वालिटी क्या है। अगर हम कोई परचेज करने जाते हैं वीडियो डिस्प्लेस, चाहे टीवी हो, चाहे LCD हो, LED हो या कंप्यूटर स्क्रीन हो, तो सबसे पहले ये चार चीजें हम देखते हैं। ये पैरामीटर्स हैं जो कि वीडियो को दिखाता है, वीडियो की क्वालिटी को दिखाता है। अब अगर हम टाइप्स ऑफ मॉनिटर की बात करें तो सबसे पहले जो मॉनिटर है वो है CRT, कैथोड रे ट्यूब के नाम से जाना जाता है। ये ब्लैक एंड व्हाइट के फॉर्म में पिक्चर को दिखाता है। इसमें क्या है, एक फ्लूरोसेंट स्क्रीन होती है इमेज बनाने के लिए, जिसे हम कैथोड रे कह रहे हैं। कैथोड रे के बैक एंड पे जो इसका ये पिछला भाग दिख रहा है इस मॉनिटर का, यहाँ पे कैथोड रे के दो इलेक्ट्रोड्स लगे रहते हैं, दो प्लेट्स लगी रहती है जिसे हम इलेक्ट्रॉन गन भी कहते हैं। वो इलेक्ट्रॉन गन है, उसकी हेल्प से हम इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे और जिसकी वजह से स्क्रीन के ऊपर हमें इमेजेस दिखाई देगी। ये पहले यूज किए जाते थे, बहुत हैवी थे और पावर कंजप्शन है वो ज्यादा यूज करते हैं ये, तो आजकल ये आउटडेटेड हो गए हैं। जो दूसरे टाइप का मॉनिटर है उसे हम कह रहे हैं LCD मॉनिटर। LCD टेक्निक्स क्या है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, जो आजकल सबसे ज्यादा यूज की जाती है, और इसका जो एक नया वर्जन है वो LED है, लाइट एमिटिंग डिस्प्लेस के रूप में हम यूज करते हैं। तो मॉनिटर में जो LCD मॉनिटर है उसमें क्या है, जो हमारी स्क्रीन है लिक्विड क्रिस्टल की लेयर बनी रहती है इसके अंदर। जब भी हम उन लेयर्स पे इमेज बनाना चाहते हैं तो हमें लाइट है वो उस पर डालनी पड़ेगी, यानी पावर सप्लाई जब हम उसको देते हैं तो लाइटिंग उस क्रिस्टल्स पर डलेगी और वो क्रिस्टल्स हैं वो सारे क्रिस्टल चमकने लग जाएंगे। इंटरनल जो मैकेनिज्म है इसका वो ये डिसाइड करता है कि कौन सा क्रिस्टल कितना चमकना है, उसकी इंटेंसिटी क्या रहेगी, उसके बेस पे इमेज को प्रोड्यूस करता है। तो ये LCD है वो कैथोड रे ट्यूब को रिप्लेस किया और ये कलरफुल आने लग गए हैं, और इनके बीच में पोलराइजिंग फिल्टर की व्यवस्था रहती है जो कि क्रिस्टल्स को पोलराइड करते हैं, यानी क्रिस्टल्स की इंटेंसिटी को कम या ज्यादा करने में हेल्प करते हैं। तो ये LCD मॉनिटर है जो कि हमने कैथोड रे ट्यूब को रिप्लेस कर दिया है LCD मॉनिटर में। जो सबसे नई टेक्निक है वो है LED मॉनिटर। LCD की जगह हमने LED को यूज करा है, इसमें फ्लैट पैनल है और थोड़ा सा कर्व डिस्प्ले भी करता है। इट मीन्स ये है कि अगर हम LCD के अंदर अगर सामने से देखते हैं तो हमें टेक्स्ट या इमेजेज है बहुत अच्छे से दिखती है, लेकिन हम साइड से देखते हैं 180 डिग्री या फिर 90
75 डिग्री से कोई देखेंगे तो हल्का सा हमें दिखेगा कि उसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है और हमें दिखने में थोड़ी दिक्कत आती है। तो इस टेक्निक को इम्प्रूव करने के लिए एलईडी यूज किया है। एलईडी और एलसीडी में ये फर्क है कि उसकी बैक लाइट का डिफरेंस होता है। बैक लाइट का मतलब एलसीडी में बैक लाइट नहीं है, एलईडी में बैक लाइट है। एलईडी है वो एक हाई कंट्रास्ट इमेज को प्रोड्यूस करता है जो कि किसी भी एंगल से देखने में इजीली से डिस्प्ले हो जाता है। ये हीट जनरेट नहीं करता है, जैसे सीआरटी है और एलसीडी है वो हीट जनरेट करते हैं। तो ये तीन तरह के मॉनिटर हमने देखे हैं। अब जो हमारी सेकंड यूनिट है, डिस्प्ले के बाद में हमने कीबोर्ड को डिस्कस करना है। कीबोर्ड है वो हमारा प्राइमरी इनपुट डिवाइसेस है। इसका यूज है वो हम कंप्यूटर के अंदर टेक्स्ट को एंटर करने के लिए यूज करते हैं। अगर आप कोई टेक्स्ट एंटर करना चाहते हैं तो वो हम कीबोर्ड के थ्रू ही कर सकते हैं। और साथ ही माउस भी एक इसके साथ इनपुट डिवाइस है। माउस से हम केवल डायरेक्शन और किसी भी ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट कर सकते हैं। और स्टैंडर्ड कीबोर्ड जब बना तो लगभग 101 से लेकर के 104 बटन उसमें होते थे। और कनेक्ट करने के लिए स्टार्टिंग में PS/2 पोर्ट बने रहते थे, आजकल ये रिप्लेस कर दिए हैं USB केबल से। तो ये हमारा लेआउट है कीबोर्ड का, जिसमें अल्फा न्यूमेरिक वैल्यूज होती हैं। ये जो लेआउट है इसमें आप देख रहे हैं कि डिफरेंट टाइप ऑफ कीज हैं जो कि 101 से लेकर 104 तक स्टार्टिंग में हुआ। अब जैसे जैसे हमारी रिक्वायरमेंट है वैसे वैसे हम इसको चेंज करते रहते हैं। तो ये जो पोर्शन है ये पोर्शन है हमारे अल्फाबेट्स, जहां पे हम अल्फाबेट को इनपुट करने के लिए इन कीज को प्रेस करते हैं। ये हमारी फंक्शन कीज है और ये हमारी न्यूमेरिकल वैल्यूज की कीज है। न्यूमेरिकल वैल्यूज की दो जगह है, यहाँ पर भी है और ये भी। तो ये एक हमारा लेआउट है और यहाँ पे ये लाइट जलती है, जो स्पेशल की जब हम यूज करते हैं तो ये लाइट्स हमें डिस्प्ले करता है। अब जो कीबोर्ड में टाइप्स हैं कीज के वो हम देख सकते हैं कि कितने टाइप की कीज हो सकती हैं कीबोर्ड में। तो सबसे पहला जो है वो है अल्फा न्यूमेरिक कीज। अल्फा न्यूमेरिक कीज का मतलब है हमारे कीबोर्ड में A से लेकर Z तक अल्फाबेट कीज होंगी और साथ में 0 से लेकर 9 तक की कीज है वो न्यूमेरिकल कीज होंगी। ये दोनों कीज को कॉम्बिनेशन से हम अल्फा न्यूमेरिक कीज कहते हैं। जब भी हम अल्फाबेट या न्यूमेरिकल वैल्यू इनपुट करना चाहते हैं तो कीबोर्ड के लेआउट में से अल्फा न्यूमेरिक कीज को प्रेस करते हुए हम उसको इनपुट कर सकते हैं। सेकेंड टाइप की जो की है वो है पंक्चुएशन की। इसमें वे सभी एक्स्ट्रा सिंबल्स होते हैं जैसे डॉट, कोमा, ऐसे जो स्पेशल सिंबल्स हैं उनको हम यूज करने के लिए पंक्चुएशन की को यूज करते हैं। कीबोर्ड में ये सारी कीज शिफ्ट के साथ यूज होती हैं। कुछ की डायरेक्टली भी यूज कर सकते हैं और कुछ की हम शिफ्ट के साथ यूज करेंगे। तीसरी तरह की जो की का टाइप है वो है फंक्शन की। फंक्शन की कीबोर्ड में सबसे ऊपर लगी रहती है, जैसा कि हम लेआउट में देखा था F1 से लेकर के F12 तक। इनका काम होता है कि ये कुछ स्पेशल फंक्शंस जो कि CPU और कंप्यूटर के ऊपर किए जा सकते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए डिजाइन की गई है। इन्हें हम शॉर्टकट कीज भी कहते हैं। नेक्स्ट जो कीज का टाइप है वो कर्सर कंट्रोल और नेविगेशन की। जैसा कि कर्सर को हम स्क्रीन पर लेफ्ट राइट अप डाउन करने के लिए हम जिन कीज का यूज करते हैं उन्हें हम कहते हैं कर्सर कंट्रोल की। कर्सर कंट्रोल की हमारे जो अल्फा न्यूमेरिक की है उनके जस्ट साइड में लगी रहती हैं। अप डाउन, लेफ्ट और राइट, स्पेस की, बैक स्पेस, इंसर्ट, डिलीट, होम पेज, इस तरह की कीज जो हैं वो कर्सर कंट्रोल कीज होती हैं, जिससे कि हम कर्सर को कंट्रोल कर सकते। नेक्स्ट की है वो है मॉडिफायर की, जो कि किसी भी डेटा को इनपुट करने के लिए अगर उनका स्पेशल फंक्शन यूज करना हो तो उसके लिए हम कंट्रोल की, एल्ट की, शिफ्ट की का उपयोग करके कॉम्बिनेशन से हम उनको यूज करते हैं और उनका कुछ स्पेशल फंक्शन होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए कंट्रोल ए दबाते हैं तो वो सारा टेक्स्ट है वो सेलेक्ट हो जाता है। तो ये शॉर्टकट की है उसकी पूरे टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के लिए।
तो हमने ए सिंपल ए प्रेस करते हैं तो इट मीन्स ये है कि ए है वो हमारे कंप्यूटर के अंदर अल्फाबेट एंटर हो जाता है। लेकिन ए को अगर हम कंट्रोल की यानी मॉडिफायर की के साथ यूज करेंगे तो उसका फंक्शन बदल जाता है। जैसा कि कंट्रोल ए करने पर पूरा टेक्स्ट है वो सेलेक्ट हो जाता है। तो इस तरह से ये तीन की के कॉम्बिनेशन से हम डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेशंस टेक्स्ट पर कर सकते हैं। नेक्स्ट की है वो टोगल की या इंडिकेटर की। टोगल की में क्या है, कुछ स्पेशल कीज होती हैं हमारे कीबोर्ड में, जैसे नम लॉक हुआ और टैब हुआ, कैप्स लॉक हुआ और स्क्रोल की हुई, तो इनको यूज करते हुए कुछ डिफरेंट ऑपरेशंस भी हम कर सकते हैं। अगर आपको लेटर अल्फाबेट टाइप करने हैं और उसमें केवल सारे अल्फाबेट है स्मॉल लेटर में टाइप करने हैं तो कोई दिक्कत नहीं, सारे लेटर कैपिटल में टाइप करना हो तो हम कैप्स लॉक की को यूज करके जो भी आप टाइप करेंगे वो कैपिटल में ही टाइप होगा, तो ये टॉगल कीज कहलाते हैं। अगर उनको ऑफ कर देते हैं तो स्मॉल लेटर्स में, ऑन कर देते हैं तो कैपिटल लेटर्स में कैप्स लॉक कीज का काम होता है। तो ये टॉगल कंडीशन है, या तो स्मॉल या अप, ऑफ होता है तो स्मॉल, ऑन होता है तो कैपिटल लेटर्स टाइप होते हैं। कुछ स्पेशल कीज होती है जो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड के अंदर सबसे टॉप में की है वो कहलाती है एस्केप की। एस्केप की और एक की होती है विंडो साइन जिस पे लगा होता है, विंडोज की कहते हैं। कि जब कभी भी हम सीपीयू का प्रोसेसिंग रोकना चाहते हैं तो हम एस्केप की को यूज करते हैं, और जब कोई स्पेशल मेनू हम मेनू बार ओपन करना हो विंडोज की का उपयोग करते हैं। अब हम कीबोर्ड के लेआउट को देखते हैं कि ये कीज कहाँ कहाँ है, तो आप देख पा रहे हैं इस लेआउट में ये जो है ये है हमारी अल्फा न्यूमेरिक कीज, और ये जो स्पेशल की है एस्केप, और यहाँ पे होती है हमारी विंडोज की। ये जो है वो न्यूमेरिक कीज है, अलग से आपको स्पेशली दी गई है। नेविगेशन और कर्सर की के लिए ये सेक्शन दिया गया है, पेज अप इंसर्ट, जो कर्सर के मूवमेंट के लिए अप एरो अप है, ये डाउन है, ये लेफ्ट है, ये राइट है, ये लेफ्ट है, ये राइट है, तो इस तरह से हम इनकी यूज कर सकते हैं। ये हमारे फंक्शन की का सेक्शन है, और ये कुछ स्पेशल कीज जो यूज करते हैं हम। ये हमारी टोगल की है, कैप्स लॉक है वो टोगल की है, हमारा नम लॉक है ये टोगल की है हमारी। तो ये सारे सेक्शन होते हैं कंप्यूटर के अपने कीबोर्ड के लेआउट में। अब हम डिस्कस करते हैं इनपुट डिवाइस माउस। माउस क्या है, माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है। पॉइंटिंग मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट करने के लिए हम माउस का यूज करते हैं। ये एक इनपुट डिवाइस है जो कि स्क्रीन पर हम जो भी ऑब्जेक्ट के साथ कुछ इनपुट देना चाहते हैं या कमांड देना चाहते हैं तो माउस के मूवमेंट के साथ उनके बटन्स को प्रेस करके हम कमांड को एंटर कर सकते हैं। तो ये कमांड एंटरिंग के प्रोसेस को हम इनपुट कहते हैं, इसीलिए इसे इनपुट डिवाइसेस कहते हैं। तो माउस एक क्या है, हैंड हेल्ड इनपुट डिवाइस है, हाथ के द्वारा हम उसको माउस पैड पर रखकर इस्तेमाल करते हैं। इसके दो बटन होते हैं और एक स्क्रॉलिंग व्हील होता है, तो एक लेफ्ट क्लिक और दूसरा राइट क्लिक, और स्क्रॉलिंग बार से हम पेज को अप डाउन करने के लिए यूज कर सकते हैं। माउस का सबसे पहले जो आविष्कार किया था 1964 में डगलस एंगलबर्ट ने किया था। उसने क्या किया, एक लकड़ी के बक्से के रूप में माउस को डिजाइन किया, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, और उसके अंदर एक व्हील लगा हुआ है और उस व्हील के मदद से हम कर्सर को घुमा सकते हैं। और पहली बार ये माउस जेरोक्स एल्टो नामक कंप्यूटर के साथ यूज किया गया था। 1972 के अंदर बिल इंग्लिस ने एक बॉल माउस बनाया। इस व्हील को उसने बॉल के फॉर्म में रिप्लेस कर दिया, तो उसे हम उसके बाद में बॉल माउस जो हमारा था, मैकेनिकल माउस भी हम कहते हैं, उसमें एक बॉल लगी रहती है जो कि सरफेस के टच करती रहती है, बहुत भारी होती है। और कुछ सालों बाद स्टीव क्रिस ने इस माउस को ऑप्टिकल माउस में बदल दिया, यानी जो पहले तो इसमें व्हील लगा, व्हील के बाद में बॉल लगी,
बोल के बाद में लेजर लाइट के थ्रू हम इसको मूवमेंट को कंट्रोल करने लग गए। तो ये माउस जो है वो 3 पेजेस में कंप्लीट हुआ, जो कि आज का मॉडर्न माउस बना है। फंक्शन ऑफ माउस, माउस के क्या क्या कार्य होते हैं। तो सबसे पहले जो कार्य है वो है पॉइंटिंग का। किसी भी ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट करने के लिए हम माउस का यूज करते हैं। यानी कोई ऑब्जेक्ट को हम सेलेक्ट करना है, यानी कोई फोल्डर को जैसे खोलना है, तो सबसे पहले उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा, यानी पॉइंट आउट करना पड़ेगा। जिस भी ऑब्जेक्ट को आपको पॉइंट आउट करना है, सबसे पहले कर्सर के मूवमेंट से एरो को उस ऑब्जेक्ट पे ले जाना है, और ये कहलाता है पॉइंट आउट करना, जो कर्सर को उस ऑब्जेक्ट पर ले जाना, ये जो प्रक्रिया है इसे कहते हैं पॉइंटिंग। इस क्रिया को हॉवरिंग के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा जो फंक्शन है हमारा वो है सेलेक्टिंग का। किसी भी आइटम को आप किसी भी ऑब्जेक्ट पर अगर हमें किसी प्रकार की प्रक्रिया या प्रोसेस करना है, तो सबसे पहले उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा, पहले पॉइंट आउट करते हुए। सेकेंड जो प्रोसेस है वो है सेलेक्टिंग का प्रोसेस। सेलेक्टिंग का प्रोसेस हम लेफ्ट क्लिक के एक बार दबाने से कोई भी ऑब्जेक्ट हमारा सेलेक्ट हो जाता है। उस सेलेक्टेड आइटम पर क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं ये देखने के लिए हम उस सेलेक्टेड आइटम पर ही राइट क्लिक अगर करते हैं, तो हमारे पास एक मेन्यू ओपन होता है जिसमें वो बताता है कि इस ऑब्जेक्ट के साथ आप ये ऑपरेशन कर सकते हैं। तीसरा जो माउस का कार्य है वो है ड्रैगिंग एंड ड्रॉपिंग। ड्रैगिंग एंड ड्रॉपिंग का मतलब है किसी आइटम को हमारे स्क्रीन पे जो भी आइटम होगा या ऑब्जेक्ट होगा, उस ऑब्जेक्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने की क्रिया को ड्रैगिंग एंड ड्रॉपिंग कहते हैं। ड्रैगिंग एंड ड्रॉपिंग के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले पॉइंटिंग करना है डिवाइस को। पॉइंटिंग करने के बाद ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद लेफ्ट क्लिक को होल्ड करते हुए जिस भी टारगेट स्थान पर, जो एक निश्चित स्थान है, वहां ले जाकर उसको ड्रॉप कर सकते हैं। उसका लेफ्ट क्लिक छोड़ते ही वो उस ऑब्जेक्ट का स्थान है वो बदला जाता है, तो ये ड्रैगिंग एंड ड्रॉपिंग कहा जाता है। चौथा जो कार्य है माउस का वो है स्क्रॉलिंग। स्क्रॉलिंग का मतलब है माउस का जो लेफ्ट और राइट क्लिक के बीच में हमें एक व्हील गिवन होता है, जिससे कि पेजेस को अप एंड डाउन हम सरका सकते हैं, जिसे हम स्क्रॉलिंग कहते हैं। तो बार बार एक एक लाइन हम एंटर करने के बजाय अगर एक साथ उस पेज को मूव करना है तो हम स्क्रॉलिंग यूज करेंगे। पांचवा जो स्पेशल कार्य है माउस का वो है क्लिकिंग का। क्लिकिंग का मतलब है कि माउस के बटन को दबाना, और ये 2 क्लिक हो सकते हैं क्योंकि 2 बटन है हमारे पास क्लिक, एक लेफ्ट क्लिक और दूसरा राइट क्लिक। लेफ्ट क्लिक 2 तरह से दबाया जा सकता है, एक सिंगल क्लिक और एक डबल क्लिक। किसी भी ऑब्जेक्ट को हम पॉइंट आउट करना चाहते हैं, सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हम पॉइंटर को, माउस का जो एरो है उसको ऑब्जेक्ट पर ले जा करके लेफ्ट क्लिक एक बार दबाना है तो वो ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करता है। दूसरा है डबल क्लिक। डबल क्लिक का मतलब है जो हमारा सेलेक्टेड आइटम है उसको ओपन करने का काम डबल क्लिक का होता है। तो डबल क्लिक का जो समय है वो बहुत कम होता है। एक साथ 2 बार हम लेफ्ट क्लिक को दबाते हैं तो वो डबल क्लिक कहलाता है। डबल क्लिक में ये हम कमांड देते हैं कंप्यूटर को कि वो उस ऑब्जेक्ट को ओपन कर दे। दूसरा जो क्लिकिंग है वो है राइट क्लिक। राइट क्लिक हमें उस आइटम के साथ किए जा सकने वाले कार्य की लिस्ट ओपन करता है, यानी हमें उस ऑब्जेक्ट पर कितने फंक्शन आप ऑपरेट कर सकते हैं उस लिस्ट हमें राइट क्लिक से मिलती है। अब हम माउस के प्रकार भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले वायर्ड माउस पे हम कॉन्सेंट्रेट करते हैं। वायर्ड माउस क्या होता है, ये जो पहला माउस देख रहे हैं ये हमारा वायर्ड माउस कहते हैं हम। वायर्ड माउस का मतलब है कि आपको इसको कनेक्ट करने के लिए इससे साथ लगे हुए वायर को कंप्यूटर के साथ जोड़ना पड़ता। तो स्टार्टिंग में ये माउस है वो PS2 पोर्ट के साथ जुड़ते थे, और आजकल इसके आगे की नोब है वो चेंज करके USB में बदल दी है। इस प्रकार के माउस है वो गेमर और डिजाइनर
इस्तेमाल करना पसंद करते हैं। इट मीन्स ये बहुत इजी है हैंडल करने के लिए और इसको चार्ज या बैटरी की जरूरत नहीं पड़ती है। ये जो पावर लेता है वो आपने जो पीसी से कनेक्ट किया है उसी से ये पावर को कंज्यूम कर सकता है। इस माउस में लेस इनपुट लैग होता है। लेस इनपुट लैग है क्या, बेसिकली आपने क्लिक किया, उस क्लिकिंग के साथ ही हमारा ऑब्जेक्ट है वो सेलेक्ट हो जाता है। अगर ये स्लो होता है माउस, आपने जब भी उसको क्लिक किया उसके थोड़ी देर बाद, कुछ डिले के बाद में वो माउस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करता है, इसीलिए ये लेस इनपुट लैग होता है। जैसे ही आपने क्लिक किया वहां पे जो स्क्रीन है वहां पर ऑब्जेक्ट है वो सेलेक्ट होता है। दूसरा जो माउस है हमारा मैकेनिकल माउस। मैकेनिकल माउस हमने कहा था कि जो स्टार्टिंग में माउस बना था उसको बॉल के रूप में बदल दिया, तो वो बॉल ये इसमें देखिएगा कि इंटरनली इसमें जो ये दिख रही है होल, उसके अंदर सेंसर लगे होते हैं। ये बॉल बहुत हैवी होती है, जैसे ही इसे सरफेस पे रखते हैं तो इसका कुछ पार्ट है वो बाहर आ जाता है, सरफेस को टच करता है। जैसे जैसे ये बॉल घूमती है तो सेंसर हैं वो घूमते हैं, और वो सेंसर जैसे ही घूमेंगे हमारा जो पॉइंटर है वो मूव करने लग जाएगा। तो ये एक सेंसर के मैकेनिकल वर्क्स पे डिपेंड है, इसीलिए इन्हें मैकेनिकल माउस भी कहते हैं। नेक्स्ट जो है वो है ऑप्टिकल माउस। ऑप्टिकल माउस का मतलब है ऑप्टिकल हमारी एक लेजर लाइट है। तो मूवमेंट के लिए सबसे पहले व्हील यूज किया, उसके बाद में यूज किया वो मैकेनिकल माउस में बॉल यूज किया, अब उस बॉल को रिप्लेस कर दिया है ऑप्टिकल सेंसर के रूप में। ये माउस के नीचे एक रेड लाइट आपको जो दिख रही है ये सेंसर है हमारा, ये सरफेस से टच होगा, जैसे जैसे मूव करेंगे तो इस लाइट की इंटेंसिटी सरफेस पे टकराएगी और ये मोशन को डिटेक्ट कर लेगी। ये जैसे ही मोशन डिटेक्ट हो जाएगा हमारा पॉइंटर्स है वो पोजीशन चेंज करने लगता है, यानी मूवमेंट करने लगता है। इसको हम टच पैड पे रखते हैं। नेक्स्ट है वायरलेस माउस। वायरलेस माउस आप जानते हैं कि उसमें वायर की जरूरत नहीं होती है, या तो वाईफाई टेक्नोलॉजी से या ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी से आपके सिस्टम से लगा सकते हैं इसको। तो इस लेक्चर में जो हमने पढ़ा है वो है कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर। सबसे पहले हमने डिस्प्ले पढ़ा, डिस्प्ले के बाद में हमने कीबोर्ड देखा, कीबोर्ड के बाद में माउस देखे, और क्या इन डिवाइसेस के काम होते हैं, कौन कौन से फैक्टर हैं जो इनको इफेक्ट करते हैं, कौन से फैक्टर को कंसीडर करते हुए हमें ये परचेज करना चाहिए, हम इस लेक्चर में ये कवर किया है। अगले लेक्चर में हम कंप्यूटर का सीपीयू मेमोरी है उसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल GPC हनुमानगढ़ फॉर मोर वीडियोज।